हाँ जी बच्चों, दिखाई दे रहा है सबको? गुड मॉर्निंग, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है सबको क्लियर? चालू करें क्लास? चलो, सबसे पहले अपन ने देखा था कि भाई ये जो हनी बी जो है वो एक यू सोशल इंसेक्ट है। याद आ रहा? यू सोशल इंसेक्ट मतलब जो कॉलोनी बना करके रहती है और जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी मिलता है। ये कॉलोनी बना करके रहती है और इसके अंदर क्या मिलता है? डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें दिखाई देता है। यानी हर एक मेंबर के काम बटे हुए हैं, हर एक मेंबर के काम बटे हुए हैं। सब अपना अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और जिसका काम खत्म हो जाता है ये उसको मार भी देते हैं। अब हम इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले जो क्वीन है वो यूजुअली एक ही रहती है। ड्रोन लगभग 100 रहते हैं और वर्कर लगभग 50,000 रहते हैं। साइज में क्वीन सबसे बड़ी होती है, ड्रोन मीडियम साइज का होता है और वर्कर स्मॉल होते हैं। फर्टिलिटी में देखो तो क्वीन फर्टाइल फीमेल होती है, ड्रोन फर्टाइल मेल होता है और वर्कर स्टेराइल फीमेल होती है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर फूड ये फिक्स करता है कि कौन फर्टाइल बनेगा और कौन स्टेराइल। अगर डिप्लॉयड फीमेल है और वो रॉयल जेली खाती है तो वो क्वीन बनेगी, और अगर वो डिप्लॉयड फीमेल है लेकिन उसको रॉयल जेली नहीं मिलती है तो वो वर्कर बनेगी। स्टिंग जो है वो क्वीन और वर्कर पर रहता है लेकिन ड्रोन पर स्टिंग एब्सेंट होता है। खाने में क्वीन रॉयल जेली खाती है और बाकी के सब लोग बी ब्रेड खाते हैं। क्वीन का काम केवल एगलिंग करना होता है, ड्रोन का काम फर्टिलाइजेशन का होता है और बाकी सारे काम वर्कर करते हैं। बाकी सारे काम कौन करते हैं? वर्कर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉयल जेली क्या है, तो रॉयल जेली जो होती है वो मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर बी का सिक्रेशन होता है। इट इज सिक्रेशन ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर बी। तो इट इज सिक्रेशन ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर बी। वर्कर बी की मैक्सिलरी ग्लैंड से ये सिक्रेशन होता है जिसको रॉयल जेली कहते हैं और इसको क्वीन को फीड कराया जाता है, ठीक है। और इसकी जो वर्कर जो होते हैं इनके ऊपर पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड भी होती है। इनके सेकंड से लेकर फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पर पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड होती है और उससे वैक्स का सिक्रेशन होता है। अब साहब, हनी भी जो है वो अपने लिए हनी का इस्तेमाल नहीं करती है, वो केवल वैक्स का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है? हनी भी जो है वो केवल वैक्स का इस्तेमाल करती है और इसीलिए अपन बोलते हैं बी वैक्स जो होता है, अपन यहाँ पर बोलते हैं जो बी वैक्स होता है वो क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्ट। तो जो हनी होता है, हनी होता है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है और जो बी वैक्स होता है
वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। बी वैक्स क्या होता है? ये प्राइमरी प्रोडक्ट होता है हनी बी का, क्योंकि बी वैक्स को उसकी रिपेयरिंग के काम में लिया जाता है, छत्ते की रिपेयरिंग के लिए काम में लिया जाता है। मान लीजिए कभी छत्ता टूट गया है या उसके अंदर कोई छेद हो गया है, उसका टुकड़ा टूट गया है, तो उसको रिपेयर कौन करेगा? उसको वर्कर भी रिपेयर करेगी, और उसके लिए ये क्या करती है, ये बी वैक्स का इस्तेमाल करती है। और बी वैक्स को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, बी वैक्स को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए ये उसके अंदर पोलन ग्रेन्स मिलाती है। पोलन ग्रेन्स के अंदर एक मटेरियल होता है प्रोपोलिस, वो प्रोपोलिस इसके अंदर मिलाया जाता है जिससे ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर, प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर बी वैक्स, सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर हनी, ठीक है ना। अपन बी डांस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बी डांस। और ये बी डांस आपको देखने में बिल्कुल भी डांस जैसा नहीं लगेगा, बी डांस जैसा भी है ये आपको देखने में डांस जैसा नहीं लगेगा, लेकिन कार्ल वॉन फ्रेश, कौन सा साइंटिस्ट था? कार्ल वॉन फ्रेश। कार्ल वॉन फ्रेश ने इस बी डांस को समझा और फिर इनको 1973 में नोबेल प्राइज मिला। तो कार्ल वॉन फ्रेश को नोबेल प्राइज मिला किसके लिए? बी डांस को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो हनी बी है वो दो तरह का डांस करती है, एक राउंड डांस और एक करती है टेल वेगल डांस। कौन सा डांस करती है बताइए? एक तो राउंड डांस और एक टेल वेगल डांस। अब देखिए, जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही वर्कर बी में एक स्काउट बी होता है। क्या होता है? स्काउट बी। तो जैसे ही सवेरा होता है तो स्काउट बी खाने की तलाश में निकल जाता है, और ये आसपास के एरिया में फ्लावर्स को ढूंढता है, और जब फ्लावर इसको मिल जाते हैं तो ये एक फ्लावर के अंदर एंट्री कर जाता है, एक फूल के अंदर घुस जाता है और वहां लुढ़कने लगता है। उस फ्लावर पे वो जब तक लुढ़कता है जब तक उसकी स्मेल इसकी बॉडी से नहीं चिपक जाती है। तो जब तक इसकी स्मेल इसकी बॉडी से नहीं चिपक जाती है, जब तक वो लगातार उसमें लुढ़कता रहता है, और जब उस फ्लावर का एसेंस उसकी खुशबू इसके शरीर पर चिपक जाती है, इसके बाद ये हाइव पे आ जाता है। इसके बाद ये कहाँ आ जाता है? हाइव पे आ जाता है, छत्ते पे आ जाता है, और फिर फूड सोर्स की डिस्टेंस के हिसाब से ये डांस करता है। तो फूड सोर्स के डिस्टेंस के हिसाब से ये डांस करता है, तो छत्ते पे बाकी के वर्कर इसका इंतजार कर रहे होते हैं, और ये खाना तलाश करने गया हुआ स्काउट भी आता है। और अगर फूड सोर्स less than 75 meter है हाइव से, मतलब छत्ते के पास में ही है, 75 meter के अंदर अंदर है, तो ये राउंड डांस करेगा। कौन सा डांस करेगा? राउंड डांस करेगा। ये डांस करके क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। डांस करके क्या करते हैं? ये कम्युनिकेट कर रहे हैं हनी भी आपस में डांस करके। तो ये राउंड डांस करेगा, ये देखिए इस तरह से। स्काउट बी का मतलब खाना तलाश करने के लिए एक अलग बी होता है, उसको स्काउट बी कहते हैं। इसका काम केवल खाना तलाश करना होता है, फूड सर्चिंग का काम है। तो ये अपन देख रहे हैं राउंड डांस, और राउंड डांस ये कब करेगी? जब फूड सोर्स less than 75 meters है। ठीक है, इसके बाद आगे अपन देखते हैं। अब इसके अंदर साहब डायरेक्शन ऑफ फूड नहीं बताया जाता है। इसके अंदर क्या नहीं बताया जाता? डायरेक्शन ऑफ फूड नहीं बताया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फूड इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि फूड सोर्स पास में ही रहता है। फूड सोर्स पास में ही रहता है इसलिए इसके अंदर पहले डायरेक्शन नहीं बताया जाता। ये हनी भी डांस करने के बाद जिस डायरेक्शन में उड़ जाएगी बाकी के वर्कर इसका पीछा करेंगे। तो ये हनी भी डांस करने के बाद जिस डायरेक्शन में उड़ेगी बाकी सारे वर्कर इसके पीछे जाएंगे,
और इसकी बॉडी से जो स्मेल आ रही होगी, इससे जो खुशबू आ रही होगी, और पोलन ग्रेन्स जो इसके पैरों पे चिपके होंगे, उससे पता चल जाएगा कि फूड क्या है। इससे पता चल जाएगा कि फूड क्या है। स्काउट भी एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक स्काउट का ही डांस देखा जाता है। तो अपन यहां पर देख रहे हैं कि जब इसके शरीर से खुशबू आ रही है, जैसे मान लीजिए रोज की खुशबू आ रही है, तो बाकी सब समझ जाएंगे भाई रोज गार्डन में चलना है। मैरीगोल्ड की स्मेल आ रही है तो वहां जाना है। और बगीचा कितनी दूर है, 75 मीटर के अंदर अंदर है, मतलब पास में ही है, इसलिए ये इसका पीछा करके वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन से डांस में डायरेक्शन ऑफ फूड पहले से नहीं बताया जाता, राउंड डांस में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा डांस है टेल वेगल डांस। टेल वेगल डांस जब करती है जब फूड सोर्स 75 मीटर से ज्यादा दूरी पर हो। टेल वेगल का मतलब दुम हिलाने वाला डांस। तो दुम हिलाने वाला डांस ये जब करेगी जब इसको डायरेक्शन बताना होगा, यानी खाना 75 मीटर से ज्यादा दूर है, जहां ये रहते हैं हाइव है जहां इनका, उससे 75 मीटर से ज्यादा दूर है, तो ये करेगी टेल वेगल डांस। अब देखो यहाँ पर ये अपन टेल वेगल डांस देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर फूड सोर्स सन की डायरेक्शन में है, यहाँ देखो अगर फूड सोर्स सन की डायरेक्शन में है तो ये कौन सा डांस करेगी बताइए। अगर फूड सोर्स सन की डायरेक्शन में है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हाइव में ऊपर की तरफ उड़ जाती है। और यहाँ पर ये देखिए पूंछ हिलाती हुई जा रही है, यहाँ पर ये पूंछ हिलाती हुई जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। और ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि फूड इज मोर देन 75 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ सन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर फूड सोर्स 75 मीटर के अंदर ही अंदर है तो बताइए कौन सा डांस करेगी, राउंड डांस। और राउंड डांस में डायरेक्शन बताई जाएगी या नहीं, नहीं बताई जाएगी। लेकिन अगर फूड सोर्स 75 मीटर से ज्यादा दूर है तो कौन सा डांस, टेल वैगिन डांस में। अगर फूड सोर्स सन के डायरेक्शन में है तो बताइए कैसे जाएगी डांस करते हुए, अपवर्ड जाएगी। और अगर फूड सोर्स सन के अपोजिट डायरेक्शन में है, अब दोबारा देखो वीडियो, अगर फूड सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। अगर फूड सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। ये देखिए ये इधर नीचे की तरफ जा रही है, ये यहाँ देखो कट लगा हुआ है, कट बना हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हेन फूड सोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ सन तो क्या बोलेंगे इसको, कैसे जाएगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो टेल वेगिंग करती हुई अपवर्ड जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड जाएगी। ये डांस किस पे कर रही है, हाइव पे डांस कर रही है, छत्ते पर डांस कर रही है, ऐसा थोड़ी है इसके लिए डीजे फ्लोर लगा हुआ है तो वहां डांस करेगी, ये छत्ते पे डांस कर रही है। तो क्लियर हो गया। तो दो तरह के डांस से ये कम्युनिकेशन करती है, एक राउंड डांस और एक टेल वेगल डांस। अब अपन देख रहे हैं कि ये जो है राउंड डांस में कुछ नहीं है, पूजा जी केवल गोल गोल घूम करके उड़ जाती है बस, बाकी के वर्कर पीछा करते हैं और जल्दी से पहुंच जाते हैं क्योंकि हाइव पास में ही है गार्डन से। ठीक है, अब देखो अगर फूड सोर्स 75 मीटर से ज्यादा दूर हो लेकिन एंगल पे हो फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द सन, तो फिर ये इस तरह का डांस करेगी, उसी एंगल पे डांस करेगी जिधर फूड सोर्स है, उसी एंगल पे डांस करेगी जिधर फूड सोर्स है। तो मतलब ये अपना फूड का डायरेक्शन सन की डायरेक्शन से फिक्स करती है।
हाँ एंगल भी पता होता है इसको। अरे वो भी बेचारे जिंदा इंसेक्ट हैं, वो भी समझदार होते हैं। ठीक है, तो ये एक एंगल पे डांस करके और पता चला लेती है कि भाई अपना फूड सोर्स कहाँ पर है। तो हनी भी जो है वो क्या करेगी, रात में कोई भी इंसेक्ट बाहर नहीं जाता है खाना लेने के लिए, हनी भी केवल दिन में ही दिखती है आपको, क्योंकि इनका जो डांस है वो सन की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए जी आगे अपन बात करते हैं। अब ये जो है वो डांस करते हुए, ये हनी भी जो है वो डांस करते हुए, अच्छा आयुष राज डाउट पूछ रहा है कि सर 80 मीटर से ज्यादा दूर हो तो 75 मीटर के अंदर ही आएगा ना वो। 80 मीटर क्या है, 75 मीटर से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो कौन सा डांस करेगी, टेल वेगल डांस, स्काउट भी स्टेराइल ही होगा। मैंने कब कहा कि रिप्रोडक्शन कर रहा है, डांस फ्लावर पर नहीं करेगी, हाइव पर करेगी। अगर बादल हो रहे हो तब भी सूरज की पोजीशन तो पता चली जाती है। चलें आगे चलें, अब मेरी बात सुनो कि जैसे जब इनको कम्युनिकेट हो गया कि साहब डायरेक्शन यहाँ पर है, इतनी दूरी पर जाना है और फूड ये है, ठीक है, तो फिर ये फ्लावर्स तक पहुंच जाएंगी। और जब ये फ्लावर्स पर पहुंचेंगी तो इनके जो इनका जो आगे वाला पैर होता है, इनका जो आगे वाला पैर होता है उसके ऊपर एक कंघा लगा रहता है जिसको अपन बोलते हैं पॉलन कॉम्ब। इनके आगे वाला जो पैर होता है इसके ऊपर पॉलन कॉम्ब लगा रहता है, और जो पीछे वाला जो पैर होता है, पीछे वाला जो पैर होता है इसके ऊपर यहाँ पर लगी होती है पॉलन बास्केट। तो यहाँ पर लगी होती है पॉलन बास्केट। अब ये आगे वाले पैर से पॉलन ग्रेन्स तोड़ तोड़ करके और इस बास्केट में भरती रहती है। ठीक है, तो ये अपने अगले पैर से पॉलन ग्रेन्स तोड़ेगी और पॉलन बास्केट में भरती रहेगी। अच्छा बताइए, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर भी जाएगी या नहीं, और वहां भी पॉलन ग्रेन्स भरेगी तो कुछ पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पर गिर जाएंगे तो इससे पॉलिनेशन हो जाएगा, और इसलिए अपन क्या बोलते हैं, हनी बी आर गुड पॉलिनेटर्स। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्लावर पर पहुंच गई है, ये कहाँ पहुंच गई है, ये इस फ्लावर के ऊपर पहुंच गई है, और फिर ये क्या करती है, ये इसका नेक्टर ग्लैंड होता है, तो यहाँ पर इसका नेक्टर है, तो इस फ्लावर के नेक्टर को ये सक करती है। ये हनी भी क्या करती है, इस फ्लावर के नेक्टर को सक करती है, और फिर उस नेक्टर को सक करके ये नेक्टर को सक करेगी और फिर इसको अपने क्रॉप रीजन में स्टोर कर लेती है। इसका जो स्टमक होता है इसको क्रॉप रीजन कहते हैं। अरे तो मुंह से नेक्टर पी रही है तो पेट में भरेगी ना, और यहां पर जो नेक्टर जो होता है फ्लावर का, ये जो नेक्टर जो होता है फ्लावर का, ये मेनली सुक्रोज होता है। ये मेनली क्या होता है, सुक्रोज होता है, और जब ये इसको मुंह से पी रही है तो बताइए इसका सलाइवा मिक्स होगा या नहीं, तो इसके सलाइवा में एक एंजाइम होता है, इसके सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेज, और वो इन्वर्टेज एंजाइम इसको फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और यह कहलाता है हनी, यह कहलाता है हनी। अच्छा बताइए कि यह हनी लेकर के और वापस हाइव पे आएगी या नहीं, हनी लेकर के वापस हाइव पे आएगी या नहीं,
और हाइव पर हनी कलेक्शन के लिए चैम्बर बने होते हैं। हाइव पर हनी कलेक्शन के लिए क्या होते हैं? छोटे छोटे चैम्बर बने होते हैं और इन चैम्बर में ये एक एक करके यहाँ आती है चैम्बर के पास। अच्छा, पेट में भरी हुई हनी कैसे बाहर निकालेगी? वॉमिटिंग करके। अगर आपके पेट में कोई चीज भरी हुई है तो आप कैसे बाहर निकालोगे? टॉयलेट करके या वॉमिटिंग करके? हाँ जी, तो ये क्या करती है? ये वॉमिटिंग करके एक एक करके लाइन बना करके यहाँ उल्टियां करना शुरू करती है और उल्टी कर करके इस चैम्बर को पूरा भर देती है। तो हनी क्या होती है? हनी बी की उल्टी होती है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो यहाँ पर कुछ मक्खियां हवा उड़ाने का काम करती है जिनको फैनर बीज कहा जाता है। कुछ मक्खियां यहाँ पर क्या है? फैनर बीज होती हैं जो हवा उड़ाने का काम करती हैं। तो ये इस चैम्बर के आसपास पंखों से हवा करती रहती है और पंखों से हवा करती रहती है तो सूख करके थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। शहद गाढ़ा होता है या नहीं? तो ये इसको गाढ़ा करने के लिए हवा उड़ाती है और इस तरह से अपना हनी तैयार होता है। अच्छा बताइए कि हनी जो है इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है या सेकेंडरी प्रोडक्ट है? और बी वैक्स? हाँ। अच्छा बताइए, रॉयल जेली कहाँ से सीक्रेट होती है? मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर बी। और बी वैक्स कहाँ से निकलती है? फ्रॉम पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड। फ्रॉम पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ऑन एब्डोमन। ठीक है, बी वैक्स का क्या यूज होता है? हम बी वैक्स का किसमें यूज करते हैं? हम बी वैक्स का कॉस्मेटिक में यूज करते हैं और हम हनी का किसमें यूज करते हैं? इंडिजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या बोलेंगे? इंडिजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब देखिए बेचारी वर्कर बी जो होती है ये काम के बोझ की मारी रहती है तो इसका लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता है। मुश्किल से 5 या 6 सप्ताह में ये मर जाती है क्योंकि दिन रात काम करना पड़ता है ना बेचारी को, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाती। 5 और 6 वीक्स में ये खत्म हो जाती है, जबकि कछुआ देखो आलसी होता है तो 200 साल तक जिंदा रहता है ना? हाँ, लेकिन हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें हनी बी की तरह लगातार मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्टर में सुक्रोस होता है और जब ये इसको मुंह से पीती है तो उसके सलाइवा में इन्वर्टाइज एंजाइम होता है और वो इसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है। अब ये एक स्टूडेंट कह रहा है अगर हाइव पर बैठे बैठे कैसे पता चल जाता है कि फूड किधर है? अरे स्काउट भी आके नाच रहा है बेचारा आधे घंटे से, तो पता चलेगा या नहीं? हनी बी का हनी में काम होता है जब इसको बाहर खाने का कुछ नहीं मिलता है तब ये अपने लार्वा को हनी भी खिला देती है कभी कभी, लेकिन मेनली नहीं खिलाती है। फैनर भी मतलब हवा उड़ाने वाली मक्खियां जो हवा करेगी। बी वैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स में एक पोलन ग्रेन्स का मटेरियल मिलाया जाता है जिससे वो कड़क हो जाती है, जिससे छत्ते की रिपेयरिंग आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए जी अब आगे है। हाँ, उसको प्रोपोलिस कहते हैं। हाँ, हवा बेचारे पंखा चला के थोड़ी ना करेंगे, हवा अपने पंखों से ही करेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक है अपना फिशरीज।
फिशरी इज अ इंडस्ट्री डिवोटेड फॉर कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश सेलफिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। इसको ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। एक तो फिशरी की इम्पोर्टेंट है, फिशरी इज अ इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग प्रोसेसिंग सेलिंग ऑफ फिश सेलफिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। दूसरा है फिशरिंग के अंदर क्या होगा, फिश पकड़ना, मोलस्का वगैरह पकड़ना, ऑयस्टर पकड़ना, क्रस्टेशियन जैसे यहाँ पर दे रखा है, प्रॉन्स हैं, क्रैब हैं, लॉबस्टर्स हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं फिशरी में। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि फिशरी का मतलब केवल मछली पालना नहीं है, फिशरी का मतलब केवल मछली पालना नहीं है, इसके अंदर फिश के साथ साथ दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, सही है। फिर आगे देखिए पिसिकल्चर, ये दूसरी डेफिनेशन है पिसिकल्चर, रियरिंग कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज ओनली। केवल मछली पालना है अगर आपको तो उसको पिसिकल्चर कहेंगे, फिशरी नहीं कहेंगे। केवल मछली पालना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर। रियरिंग का मतलब पालन करना, तो केवल मछली पालना है तो पीसी कल्चर, मछलियों के साथ साथ दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स पाल रहे हो तो फिशरी। और तीसरी डेफिनेशन है एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर में फिश के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वा कल्चर में क्या क्या होता है, एक्वा कल्चर में होता है फिश प्लस एक्वेटिक प्लांट्स प्लस एक्वेटिक एनिमल्स। फिश प्लस एक्वेटिक प्लांट्स प्लस एक्वेटिक एनिमल्स तो हो जाएगा एक्वा कल्चर। तीनों डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। केवल पिसिकल्चर क्या होते हैं, केवल फिशेस को पालना क्या होता है, केवल फिशेस को पालना क्या होता है, पिसिकल्चर। फिश के साथ साथ एक्वेटिक एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, फिशरी, फिश प्लस एक्वेटिक प्लांट्स प्लस एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वा कल्चर। अब देखो इंडिया इज अ पेनिनसुला, पेनिनसुला जानते हैं क्या होता है, इंडिया एक पेनिनसुला है, मतलब ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो भगवान ने हमको पहले बहुत सारी मछलियां दी है क्योंकि पानी बहुत सारा है, नहीं तो पानी बहुत सारा है तो हमें यहाँ मछलियां पालने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है क्योंकि हर जगह मछलियां पहले से ही पाल के दी हुई है। इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बाग कैप्चर फिशरी करते हैं, क्या करते हैं, कैप्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी का मतलब होता है नदी से, तालाब से, ओशियन से सीधा पकड़ करके बेचना। कैप्चर फिशरी का मतलब क्या होगा, नदी से, तालाब से, ओशियन से सीधा मछली पकड़ करके मार्केट में सेल करना, ये कैप्चर फिशरी। लेकिन अगर आप एक पॉन्ड बना करके मछलियां पालते हो तो वो कल्चर फिशरी होता है। अगर आप अपने शहर में एक तालाब बना करके और उसके अंदर मछलियों को पालते हो तो ये कल्चर फिशरी होता है। तो इसके अंदर देखो कैप्चर फिशरी में अपन क्या कर रहे हैं, अपन उनको पाल नहीं रहे हैं, अपन सीधा पकड़ के बेच रहे हैं, इसलिए वहां लिख रहा है विदाउट एक्चुअल रेजिंग देम, क्योंकि आपने पाला नहीं है उनको, आपने बड़ा नहीं किया है, सीधा पकड़ के बेचा है। लेकिन कल्चर फिशरी में आप तालाब बना करके मछलियां पालते हो, फिर जब वो बड़ी हो जाती हैं, जब उन्हें पकड़ कर बेचते हो तो ये होता है कल्चर फिशरी। तो इंडिया में ज्यादा क्या प्रैक्टिस किया जाता है, कैप्चर फिशरी, ठीक है। अब आपसी शर्मा कह रही है एक मछली को पालना भी पीसी कल्चर होता है क्या, एक मछली से क्या होगा तुम्हारा। अब आगे देखते हैं अपन ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन है वो फिश यील्ड को बढ़ाने के लिए किए गए काम है।
इसमें मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जो जो भी काम किए जाते हैं वो सब शामिल हो जाएंगे ब्लू रिवॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कटला कटला लेबियो रोहिता, यानी ये क्या है, कॉमन कार्प होती है। तो अपन यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि ऑल कार्प फिशेस आर फ्रेश वाटर फिशेस, ऑल कार्प फिशेस आर फ्रेश वाटर फिशेस। सभी कार्प मछलियां कैसी होती है, फ्रेश वाटर में मिलती है, यह ध्यान रखना है। और ये जो कटला कटला लेबियो रोहिता है ये सब इंडिजीनस स्पीशीज हैं। इंडिजीनस मतलब इंडिया में मिलने वाली प्रजातियां हैं। जिन मछलियों के नाम के पीछे कार्प लगा होता है वो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। अब देखिए मैराइन फिशेज की बात करें तो हिल्सा, सार्डिन, मैकरेल, पोम्फ्रेट, ये सब मैराइन वाटर के फिशेज हैं और इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सारा होता है। तो यहां से पहले नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि वो कौन सी मछलियां होती है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, तो इसका मतलब ये सभी मैराइन फिशेज हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसमें पॉम्फ्रेट जो है इसको स्टार मार्क कर लेना, मॉड्यूल में लिखा है पॉम्फ्रेट एक ऐसी मछली है जो इंडियन नहीं है लेकिन फिर भी इंडियन ओशियन में मिलती है। तो फॉरेनर्स ने इस मछली को इंडियन ओशियन में छोड़ दिया था, जब से ये हमारे यहाँ मिलती है। वो मछली कौन सी है, पॉम्फ्रेट। तो ये जितने भी मैराइन फिशेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट को हेल्दी रखता है, गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है ये। इसको क्या कहते हैं अपन, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये हार्ट को हेल्दी रखता है। फिर आगे देखिए मैरीन फिशेज आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये मैंने बताई दिया है आपको। तो इतना सा तो अपने को ध्यान रखना ही है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पॉम्फ्रेट वो विदेशी मछली है जिसको फॉरेनर्स ने इंडियन ओशियन में छोड़ दिया था, जब से वो यहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपके मॉड्यूल में तो और भी बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे ये जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं इनको एक साथ पाला जा सकता है, कटला कटला रेबियो रोहिता और मृगल। अगर इन तीनों मछलियों को एक साथ पालते हैं, एक ही तालाब में पालते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अगर तीन मछलियों को एक साथ पालते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो आप चाहो अगर और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ लो, वरना जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना काफी है, क्योंकि इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन नहीं आता है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे अपन बात करते हैं सेरीकल्चर। अच्छा बताइए सेरीकल्चर क्या होगा, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म को पालना सेरीकल्चर होता है। सिल्क वॉर्म को पालना क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। और सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई थी। सिल्क की डिस्कवरी कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। चाइना में एक एम्प्रेस है, एम्प्रेस लॉट जू, जो क्वांगटी रीजन की महारानी थी और उन्होंने सबसे पहली बार सिल्क बनाने का तरीका ढूंढा। सबसे पहले उन्होंने सिल्क बनाने का तरीका ढूंढा। तो जब इन महारानी के महल में पार्टी चल रही थी तो उस समय मेहमानों को गर्मा गर्म सूप पिलाया जा रहा था और ये पार्टी जहाँ एक गार्डन में थी, उस गार्डन में मलबरी के ट्रीज लगे हुए थे बहुत सारे,
मलबरी मतलब शहतूत के पौधे, और उनके ऊपर सिल्क वॉर्म रहा करते थे, सिल्क वॉर्म का कुकून वहां लटका हुआ था। तो एक कुकून जो है सिल्क वॉर्म का, वो महारानी के सूप के कप में गिर गया, और जब उसको निकाला गया तो वहां से बहुत बड़ा धागा मिला, वहां से बहुत बड़ा धागा मिला, और वो लगभग 5 से 7 मीटर लंबा धागा था। तो इन्होंने उस धागे को निकाल करके देखा तो बड़ा सफेद और चमकदार था, और जब उसका कपड़े का एक सैंपल बनवाया गया तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से सिल्क की डिस्कवरी हुई चाइना में, और काफी समय तक ये एक राज बना रहा, काफी समय तक ये एक राज बना रहा। उसके बाद एक दिन एक बुद्धिस्ट मॉन्क को ये राज मालूम चल गया, और वो वहां से भाग करके इंडिया आ गया, और इंडिया में मैसूर के राजा को इसने ये सीक्रेट बताया। तो फिर चाइना के बाद इंडिया में भी सेरिकल्चर होने लगा, यहाँ भी सिल्क का प्रोडक्शन होने लगा, और मैसूर कर्नाटका जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया। मैसूर कर्नाटका क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 तरह की सिल्क मिलती है। पूरी दुनिया में सिर्फ कितने तरह की सिल्क मिलती है, सिर्फ 5 तरह की सिल्क पूरी दुनिया में मिलती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि वो पांचों की पांचों वैरायटी अकेले इंडिया में भी मिलती है। मतलब पूरी दुनिया के पास सारे सिल्क वॉर्म नहीं है, लेकिन इंडिया के पास पांचों के पांचों तरह के सिल्क वॉर्म हैं। और इसलिए इंडिया पुराने जमाने में सिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन आपको याद है कि यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो गया था, तो इसलिए वो ज्यादा एडवांस हो गए थे। लेकिन फिर भी अभी भी अपने को याद है कि मैसूर की सिल्क तो वर्ल्ड फेमस मानी जाती है। चलिए जी, अब सेरिकल्चर पे ध्यान दीजिए। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नॉन एज सेरिकल्चर। कॉमन सिल्क वॉर्म जो होता है वो बॉम्बैक्स मॉरी होता है, जो मलबरी के पेड़ों की पत्तियां खाता है, और सिल्क वॉर्म जो है इसका नाम याद रखना है बॉम्बैक्स मॉरी, और ये मलबरी की लीव्स खाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इससे सिल्क का प्रोडक्शन होगा। और सिल्क फाइबर एक प्रोटीन होता है, सिल्क फाइबर एक प्रोटीन होता है जो लार्वा की सिल्क ग्लैंड से निकलता है, लार्वा के सिल्क ग्लैंड से निकलता है। और सिल्क ग्लैंड और मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सिल्क वॉर्म आर मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपसे पूछा जाएगा सिल्क फाइबर क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है, क्या बोलोगे? प्रोटीन है। और ये कहाँ से निकलता है, लार्वा से निकलता है, प्यूपा से निकलता है, एडल्ट से निकलता है? लार्वा की कौन सी ग्लैंड से निकलता है, सेलाइवरी ग्लैंड से या सिल्क ग्लैंड से? सिल्क ग्लैंड से निकलता है। और सिल्क ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन होती है, सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब सिल्क में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रोइन और एक सेरेसिन, और इसका रेशियो 80-20 का होता है। तो इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोइन और सेरेसिन, और इनका रेशियो कैसा होता है, 80-20 का रेशियो होता है। ठीक है, मैसूर कर्नाटका लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है। ये एक पेब्राइन एक प्रोटोजोवन डिजीज है जो नोज़मिया से होती है, ये भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करें।
और इससे कुकून में छेद हो जाते हैं और इसलिए सिल्क का प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि पेपराइन डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म इज ड्यू टू, बोलेंगे प्रोटोजोआ, नोजिमा बोम्बाइसिस। फिर ये देखो एडल्ट सिल्क वॉर्म इस तरह का होता है, ये कैटरपिलर लार्वा है, ये कैटरपिलर लार्वा सिल्क फाइबर बना रहा है। सेरिकल्चर वगैरह शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसलिए समराइज करके पढ़ा रहे हैं। कैटरपिलर लार्वा देखिए भाई, जब भी सिल्क वॉर्म में फीमेल सिल्क वॉर्म एग ले करती है, क्या करती है, फीमेल सिल्क वॉर्म एग ले करती है और वो एग थोड़े समय के बाद टूट जाते हैं, हैच हो जाते हैं। हैचिंग का मतलब होता है एग टूट जाना, उसमें से लार्वा बाहर निकल लेना, ठीक है। अब इसमें से लार्वा बाहर निकल रहा है तो ये लार्वा जो है उसके अंदर एक हार्मोन होता है और उस हार्मोन को अपन बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन। तो यहां पर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन, और ये जुवेनाइल हार्मोन जो है इसके प्रेजेंस में ये मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग करके ये कई सारे निस्तार बनाता है, इसके प्रेजेंस में ये मोल्टिंग करता है और मोल्टिंग करके कई सारे निस्तार स्टेजेस बनती है इसके अंदर। और मोल्टिंग का मतलब होता है अपना रूप बदल लेना, लार्वल स्टेजेस को चेंज करना। जैसे याद है आपको, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, फिर एडल्ट होता है, इस तरह से मोल्टिंग चलती है। इन स्टार स्टेजेस होती हैं जो बीच में सब स्टेजेस होती हैं इसके डेवलपमेंट में। तो इसकी जो लार्वल स्टेज है इसके अंदर ये फोर मोल्टिंग करता है और फिफ्थ इन स्टार लार्वा बनाता है। कितनी मोल्टिंग होती है, चार तो मोल्टिंग होती है और उसके बाद फिफ्थ इनिस्टार लार्वा बनता है। ये लार्वा का टाइप है ये इनिस्टार, और ये फिफ्थ इनिस्टार लार्वा खाना पीना बंद कर देता है और इसके मुंह से सिल्क निकलने लगता है। अच्छा, खाना पीना क्यों बंद कर देता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड तो सिल्क ग्लैंड बन गई, अब खाएगा कहां से बेचारा। और फिर ये अपना सिल्क थ्रेड मुंह से निकालता है और अपनी गर्दन को गोल 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 इस तरह से घुमाता है और अपने शरीर के चारों तरफ कुकून बना देता है, और फिर ये कुकून में बंद हो जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर कुकून में पैक हो गया है, यहाँ पर ये कुकून में पैक हो गया है। फिर अब ये यहाँ पर प्यूपा में बदलेगा और फिर इसको तोड़ करके एडल्ट निकलेगा बाहर। तो अभी अपनी लार्वल स्टेज से अगली स्टेज में जा रहा है तो इसका शरीर कमजोर हो जाता है, इसलिए ये कुकून में अपने आप को बंद कर लेता है। दफना नहीं रहा है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुकून में बंद कर रहा है, क्योंकि ये जब लार्वा से प्यूपा बनेगा ना तो इसका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को कुकून के अंदर ढक देता है। कुकून में जिंदा रहता है ये, और जब ये प्यूपा स्टेज खत्म हो जाती है इसकी तो कुकून तोड़ करके बाहर आ जाता है। अरे पहले इतना सारा खा रखा है तो इसको बार बार खाने की जरूरत नहीं होती, उससे इसका काम चल जाता है। भैया अपन ने निस्टार स्टेज पढ़ी ना, तो फोर्थ निस्टार तक तो पेट भर के खा रहा है ना, उससे जिंदा रहेगा। फिर यहां पर अपन देख रहे हैं कि कुकून में ये बंद हो गया है, कुकून धागे का ही तो बना हुआ है, अगर आप अपने मुंह पे चादर डाल लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन बंद हो जाएगी क्या। अब यहां से कुकून में ये प्यूपा में कन्वर्ट होगा और प्यूपा फिर कुकून तोड़ को बाहर आएगा और फिर एडल्ट सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसके पहले कि ये प्यूपा कोकून तोड़े, हम कोकून को तोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर प्यूपा ने कोकून तोड़ा तो कोकून के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना, तो फिर हमें सिल्क के धागे तो मिलेंगे लेकिन टुकड़ों में मिलेंगे, एक लंबा सिल्क थ्रेड नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस कोकून को तोड़ करके और उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, और उसकी वजह से ये बेचारा प्यूपा तड़प तड़प के मर जाता है। लेकिन वहां से सिल्क का एक लंबा धागा हमें मिल जाता है, ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्वा, प्यूपा या एडल्ट, बताइए। सिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्वा, अरे लार्वा ही तो सिल्क बना रहा है ना, कुकून लार्वा ही बना रहा है ना, तो आंसर क्या जाएगा? सिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्वा। क्लियर हो गया? अब देखिए, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्वा, प्यूपा या एडल्ट। तो प्यूपा या कुकून दो आंसर हो सकते हैं। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्या बोलेंगे, प्यूपा या कुकून, दोनों आंसर सही है। तो अगर आपसे पूछे सिल्क इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम प्यूपा और कोकून, ठीक है, इस तरीके से सिल्क बनेगा। अब यहां पर देखिए, कोकून हमने तोड़ लिए हैं और इनको ये देखिए उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं, और इनसे धागा ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है, दिख रहा है कोकून, उबलते हुए पानी में डाल करके इसका धागा पकड़ रखा है और ये ऊपर की तरफ मशीन में रील होता जा रहा है। तो इसको उबलते हुए पानी में डालना स्टिफलिंग, उबलते हुए पानी में डालना क्या है, स्टिफलिंग, और इसको लपेटना क्या होता है, रीलिंग। उबलते हुए पानी में डालना क्या होता है, स्टिफलिंग, और इससे धागे निकालना क्या होता है, रीलिंग। दोबारा देख लो, स्टिफलिंग और रीलिंग। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। अब अगला है अपने पास लैग कल्चर। यहां पर अब इंपॉर्टेंट मार्क करें लैग कल्चर में, लैग इज द रेजिनियस सिक्रेशन ऑफ लैक ग्लैंड, और लैक ग्लैंड क्या होती है, डर्मल ग्लैंड होती है। एक इंसेक्ट होता है लेसिफर लैका या टेकार्डिया लैका। अच्छा तो बताइए, सिल्क ग्लैंड क्या थी, सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन लैग ग्लैंड क्या है, लैग ग्लैंड क्या है, डर्मल ग्लैंड है। लैग ग्लैंड क्या है, डर्मल ग्लैंड का सिक्रेशन है। ये जो लैग इंसेक्ट होता है वो कई सारे प्लांट के ऊपर पैरासाइट की तरह रहता है, जैसे कुसुम, बबूल, बेर, पलाश, पीपल, मैंगो, इन सब पे ये पैरासाइट की तरह रहता है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की लैग जो है, बेस्ट क्वालिटी की लैग जो है वो बेर और पलाश से मिलती है, तो इनको अपन हाईलाइट करेंगे और यहां लिखेंगे बेस्ट क्वालिटी लैग। जिसको बोलते हैं कुसुमिक लैग, ये अपने को बेर और पलाश के पौधे से मिलती है। इसको अपन लाख भी कहते हैं, लाख,
हिंदी में लाख कहा जाता है इसको, आपने देखा होगा ना बैंगल्स वगैरह बनते हैं, लाख की चूड़ियां वगैरह बनती है, वो है ये। और इंडिया इसका लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैक का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। अब देखो, लैक का इस्तेमाल प्रिंटिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। पुराने जमाने में याद है गाना सुनने के लिए ग्रामोफोन आता था, इस तरह का ग्रामोफोन आता था पुराने जमाने में, यूं गाना सुनने के लिए, जो एक लकड़ी के बक्से पे रखा रहता था, यहाँ रिकॉर्ड रहती थी यहाँ इस तरह से, इसमें यहाँ चाबी रहती थी, चाबी से घुमाते थे इसको तो ये गोल गोल घूमती थी, ऊपर से गाना आता था। ये ग्रामोफोन की रिकॉर्ड जो यहाँ लगती है ना रिकॉर्ड, ये बनती है इससे। इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इंसुलेटर की तरह काम करता है ये, वार्निश में, पॉलिश में भी काम में आता है, चूड़ियां बनाने के काम में आता है, कॉस्मेटिक आइटम में काम में आता है, इससे डाई वगैरह भी बनती है। वार्निश नहीं होता, पेंट लकड़ी के ऊपर करते हैं जो, वो सब इससे बनता है। ये देखिए, लाख का कीड़ा आपको दिखाया गया है, ये इस तरह के रेजिन के चैम्बर बनाता है लकड़ी के ऊपर, फिर हम इसको यहां से निकालते हैं रेजिन को, और उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, और उबलते हुए पानी में डालने के बाद इससे लैक सेपरेट हो जाता है। ये देखिए, ये जैसे कोई सरकारी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके ऊपर इसको मेल्ट करके ऐसे सील लगाने के काम में भी आता है ये। देखिए, ये याद आ रहा है कुछ, ये इससे चूड़ियां वगैरह बन रही है। ये खत्म हो गया अपना चैप्टर यहाँ पर। हाँ जी, ऋषि अग्रवाल जी, पांडव की लाक्षा ग्रह भी इसी से बनी थी। बस इतना सा, ये प्लांट ब्रीडिंग वाला, प्लांट वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको प्लांट ब्रीडिंग। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर, अगर फीमेल कुकून में मर गई तो क्या होगा? अरे सारे कुकून थोड़ी ना उबाल रहे हैं, जितने भी आपके पेड़ पे कुकून लगे हुए हैं, तो सारे के सारे तोड़ के उबाल लोगे तो आगे सेरिकल्चर कैसे करोगे? इसलिए कुछ को जिंदा भी छोड़ा जाता है। और अब आपका ट्यूसडे से रिप्रो, वेडनेसडे से रिप्रो वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा, और रिप्रो वाला चैप्टर जो है वो दूसरे वाले टीचर पढ़ाने आएंगे। तो आज अपना लास्ट लेक्चर था ये। जो भी डाउट है आप सॉल्यूशन ऐप पर डाल सकते हैं, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस खुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तो थर्ड वेव का डर है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाला चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर दे दीजिए तो आप दिन भर ही फोन करते रहोगे, फिर मैं दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगा बताओ। फिर आप मान लो रात को 3 बजे पढ़ाई कर रहे हो और आपको डाउट आ गया, तो आप तो तुरंत ही कॉल लगा दो। नहीं लगाओगे तो कॉल ही नहीं लगाना है, तो फोन नंबर क्यों ले रहे हो? तो आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका रिप्रो वाले स्टार्ट हो जाएगा, जो रिप्रो वाले सर पढ़ाएंगे। चलिए,
चलिए जी, तो अपना क्लासेस यहीं तक ही थी। थैंक यू वेरी मच। फोन नंबर लिख ही देता हूँ मैं। बाय बच्चों, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। हाँ देखो, फोन लगने शुरू हो गया। अजीत कुमार ने तो अभी तुरंत ही लगा भी दिया है, इसलिए नंबर नहीं दे रहा था मैं। काट दो इसको, दोबारा लिखो। अब सही नंबर। अब सही है, अब 10 डिजिट हो गए ना। सब लोग क्या है, मिस कॉल दे दे के चेक कर रहे हैं कि लगता भी है या नहीं लगता। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस जो है आपका, जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, पिछले टेस्ट में क्या कंप्लीट आ गया था क्या? अब इवोल्यूशन आएगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आएगा, और रिप्रोडक्शन का चैप्टर जहां तक हो जाएगा वहां तक आएगा। ठीक है, देखो सब। अब चलिए जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। अब हो सकता है मैं दूसरे फेज में जाऊंगा पढ़ाने के लिए, इसलिए आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। चलिए जी।